ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो कैन यू सी माय स्क्रीन? यस मैम। मैम व्हाट, तुम कौन से चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, राइट। और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा चुके हैं, है ना? तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, करेक्ट? यस मैम। वेरी गुड। तो लेट मी ट्राई सम क्वेश्चंस। लेट्स से आपने अभी तक ये क्वेश्चन करे हैं या नहीं? गुड लेट इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। लेट्स रिवाइज प्रीवियस जो हमने पढ़ा था। सो ट्राई दीज क्वेश्चंस। ओके ओके, ट्राई, आंसर इन द चैट गुड बॉक्स। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड तनिष्का। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, आरुषि, नामिका, आंचल, अनुशिवा, पूर्वा, गुंजन, वी हैव जगदीश, करुणा, किंजल इज हियर, कुशम, लेखराज, मनीषा, मोहिनी, मुस्कान, नंदिनी, नवप्रीत, नीता, नितिका, या पलक, पारुल, पायल, प्रीति, प्रिया, सतवालिया, रजत, रमिता, वी हैव रिया शर्मा, शगुन, शिवांगी, श्वेता, सिल्की इज हियर। अच्छा, सिल्की तो रेगुलर है। स्नेहा, स्वाति, तनिष एंड विमल एंड वैशाली। वेरी गुड। ओके जी, तो आंसर लिखो चैट बॉक्स में सारे के सारे। फटाफट रिवीजन है ये, बेटा ट्राई। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको ये वाला आता होगा। ठीक है, ये वीडियो ट्राई, कम ऑन। 1 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी बताओ। वेरी गुड। ओके, एक आंसर अलग है हमारे पास। गुड। ओके नाउ दिस इज वेरी ट्रिकी। आंसर एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। मैम कोशिश शो नहीं हो रहा। मैम कोशिश शो नहीं हो रहा। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा? यस मैम। ये तो हो रहा है स्क्रीन पे। मैम फर्स्ट वाला दिख रहा है मेरे को। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1? यस मैम। यस मैम। डू दिस, डू दिस। यू हैव 30 सेकेंड्स मोर। ओके, all right, maximum answers are here. okay, so some says a and some says b. दो ही answers के मुझे option आ रहे हैं। let's see, किसी ने कहा है a and d. okay, चलो देखते हैं। मैंने कहा था ना आपको, आप देख सकते हो उसमें कि आपके answers आगे लिखे हैं। ये भी incomplete answer है इस वाले पे। अभी अब मैं आपको कराने वाली हूँ प्लांट का पार्ट। तो मैं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसके आंसर एक से ज्यादा बनते हैं, तो मैं ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हम ले लिया, ले लिया। ठीक है, वी विल कम बैक टू दिस, क्योंकि अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ये वाला। नाउ ट्राई दिस वन। ये वाला हम कर चुके हैं पूरा। ट्राई दिस वन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने करेक्टली आंसर दिया है, बट उसका एक चीज है जो आपको समझनी है। सो ट्राई दिस वन। All organism have to reach a certain age of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. तो वो वाला period before they enter into a sexual phase उसे क्या बोलते हैं? You have to write in the chat box. Okay. All right. ओके, हाँ जी, ऑलराइट, ओके बेटा, स्टॉप। ऑल ऑर्गेनिजम्स
have to reach a certain age of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. तो बेटा जब वैसे तो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहा है ना एक तरह से, तो दे आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स ऑल्सो, दे आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स ऑल्सो. तो कुछ भी हो सकता है ना. तो यहाँ तो हम फंस गए, लेकिन हमने मोस्टली ऑर्गेनिज्म में एनिमल के बारे में पढ़ा है. चलो ट्राई करके देखते हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मेच्योरिटी अचीव करते हैं बिफोर दे कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली. तो सेक्सुअली प्रोड्यूस करने से पहले मेरे को बताओ एनिमल में कौन से फेजेस आते हैं और प्लांट में कौन से फेजेस आते हैं. पहले एनिमल का बता दो. सबसे पहले जुवेनाइल प्यूबर्टी, ऐसे कभी होता नहीं में, ठीक है. तो आपने ऐसे नहीं घबराना कि ये क्या हो गया, वो फेस तो लिखा ही नहीं. तो वो कह रहा है कि तुम उसको इग्नोर कर दो, तुम इन तीनों में आंसर बताओ. तो क्लोजेस्ट आंसर देना होता है, ठीक है. नाउ प्लांट के केस में क्या होता है? हमारा आंसर क्या बना यहाँ पर? All organism have to reach a certain age of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. तो बेटा हमने यही वाली पॉइंट करा नहीं था. ये देखो कि जो जुवेनाइल फेज होता है प्लांट में, मैं उसको वेजिटेटिव फेज तो बोलती हूँ, उसके बाद आएगा ना रिप्रोडक्टिव फेज. तो अपने आप को तैयार करना रिप्रोडक्शन के लिए, उसी को तो हम कहते हैं जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज. उसने क्वेश्चन में क्या बोला था? ऑल ऑर्गेनिजम्स. उसने सिर्फ एनिमल्स तो नहीं बोला, तो ऑल ऑर्गेनिज्म उसने लिख लिया, तो वो प्लांट भी कंसिडर कर रहा है. तो तुमने फिर ये क्यों बोला? इट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज बट नॉट वेजिटेटिव फेज. वेजिटेटिव फेज भी तो कहलाता है. देखो ए ऑप्शन नहीं हो सकता. बी इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव फेज बट नॉट जुवेनाइल फेज, ये भी गलत है. वेजिटेटिव भी कहेंगे तो जुवेनाइल भी कह सकते हैं एनिमल में. वाइल्ड एंड्स, तो देखो एक लाइन कैसे बनी, ध्यान से देखना. दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ जब एंड होता है तब बिगनिंग होती है रिप्रोडक्टिव फेज की. इसने फेज का नाम ही नहीं दिया, इसने सीधा सीधा बोला कि जो ये फेज है ना, जो भी फेज है, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ, जो भी ग्रोथ का पीरियड है, जब वो एंड होता है तब वो मार्क करता है बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज. तो ये लाइन सही बनती है, ये लाइन सही बनती है. उसके अलावा इज वेरिएबल इन द सेम ऑर्गेनिज्म. सेम ऑर्गेनिज्म में वेरिएबल नहीं होता. वीट में जितना वेजिटेटिव फेज है उतना ही रहेगा सभी वीट में. जितना एक डॉग का जुवेनाइल फेज है उतना ही डॉग का जुवेनाइल फेज है. ऐसा नहीं है एक डॉग में अलग है दूसरे डॉग में अलग है, राइट. तो ये आंसर गलत हो गया. सो आंसर वुड बी सी. ये बात समझ आई कैसे? तो इस आंसर के साथ हम लोग क्या कर लेंगे, इस आंसर के साथ हम लोग ये चार्ट एक बार अपना वापिस जाके जहाँ पे चार्ट अपने बनाया वो निकालो और वहां नीचे लिख दो कि ये इक्वल थे. आई थिंक मैंने लिखवाई थी ये लाइन, याद है? लिखवाई थी? नो मैम, नहीं लिखवाई थी कि जुवेनाइल और ये. अच्छा ठीक है, तो लिख लो, कोई बात नहीं. जुवेनाइल इक्वल्स टू वेजिटेटिव एंड प्लांट्स इन एनिमल्स. लिख लो इसको फिर, अगर आपने ऐसे नहीं लिखा तो. फॉर सम रीजन आई फील लाइक मैंने शायद बताया ये. चलो मे बी माय बैड. हो गया? यस ठीक है, मिटा दूं मैं इसे. ओके आइए. सो नाउ ये क्वेश्चन बताओ आप लोगों को. जब मैंने पढ़ाया तो आप में से किसी ने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सच्ची बताना, पता चलेगा तभी तो मैं हेल्प करूं. किसी ने पढ़ा? नहीं? देखो चुप रहोगे तो मैं तो ना बोलूंगी. नहीं पढ़ा? नो मैम. अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हो ना, उसके फायदे ये हैं कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया, पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने पढ़ाया कहाँ से, ठीक है जी. अगर आप एनसीईआरटी नीट करते हो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग साथ साथ में हो जाएगी, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ कुछ लाइंस एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, तो आपको इजी हो जाएगा. दूसरा, पेपर एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन से आता है. एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी बता पाओगे कि उसकी लाइन का पेपर है. तीसरा, एनसीईआरटी में ऐसी लाइन्स है जो समझ नहीं आती है. एनसीईआरटी पढ़ आपको कॉन्सेप्ट समझाते समझाते क्वेश्चन लिख देता है तीन चार,
तो वो क्वेश्चंस के आंसर जब तक तुम मुझसे पूछोगे नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे, है ना। मुझे क्या पता चला, कैसे पता चलेगा मुझे कि भाई क्लास में 36 स्टूडेंट है, अनामिका को क्वेश्चन समझ आ गए हैं एनसीईआरटी के, या पूर्वा को कोई लाइन समझ आई है या नहीं। जब तक तुम एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे इट वॉन्ट मेक सेंस। तो एनसीईआरटी रीड करना इज कंपल्सरी फॉर नीट स्टूडेंट। आराम से 75 to 80% पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, प्रीवियस ईयर लगा के देख लेना। सो एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट, की होती तो ये क्वेश्चन हो जाते, क्योंकि वहां पे ऐसा लिखा है, पिछला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से उठा हुआ है। चलो ये वाला ट्राई करो। ये मैंने बताया तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, ट्राई कोशिश करो क्वेश्चन करने की। वेरी गुड, अब याद आ गया आपको, है ना, गुड, शाबाश। सबसे पहले हमारा आंसर आया है रिया के पास से। गुड रिया शर्मा। क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेजेस आर नॉट फाउंड। तो जब भी क्वेश्चन में नॉट लिखा हो तो हमें उसे क्या करना होता है, अंडरलाइन। तो कौन सा ऐसा फेज है जहां पे आपको क्लियरली नहीं दिखेगा कि प्लांट कौन से फेज में। सो दैट इज अ पेरिनियल प्लांट, राइट। यो सो आंसर वुड बी सी, वेरी गुड। ये ट्राई करो, ये मैंने तुम्हें क्लास के स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। ट्राई दिस वन। ओके गुड, जब सबके आंसर सेम होते हैं तो मैं फिर क्वेश्चन बंद करा देती हूँ। ओके अच्छा नहीं, ऑलराइट, सो वी हैव लिटिल वेरिएशन हियर। सबसे पहले आंसर आया पायल दीक्षित का, वेरी गुड। ओके सो एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। लाइफ इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग बिगिन लाइफ, स्टार्ट करते हैं लाइफ एज ए डैश कॉल्ड जायगोट। तो जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल होता है या मल्टीपल सेल होते हैं या क्या होता है। डिप्लॉइड प्लेन डाइप्लॉइड होता है, तो डाइप्लॉइड जो है ना वो उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है जी। सेल कितने होते हैं, एक या दो, बट वन सेल होता है। जायगॉट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन एंड एवरी। अच्छे से नहीं लिखा इसने, चलो हम करते हैं इसको। देखो ये जो तुमने अभी डेप्लॉयड बोला ना, इसको क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक होती है प्लॉइडी, ये वर्ड सुना है कभी, यो मैप इसका क्या नो मतलब होता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। दे आर आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ए सेल, ठीक है जी। तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल है उसको हम उसके प्लॉइडी कह देते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की, नंबर ऑफ सेल की बात तो नहीं करी ना। क्या लिख लो, इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है जी। तो ये नंबर ऑफ सेल्स तो नहीं बताता हमें। अब प्लॉइडी अगर मैं बोलूं कोई है डाइप्लॉइड, तो डाइप्लॉइड सेल का क्या मतलब है, इसका मतलब है वन सेल विथ टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और अगर मैं बोल दू हैप्लॉइड, तो इसका मतलब है वन सेल विथ, हाफ द नंबर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सही बोल रही है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये होती है पोलाइडी, ठीक है बेटा। जो तूने पीछे बोला अभी
कि टू सेल्स है, टू सेल्स नहीं है, सेल सिंगल है, बस उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल का पूरा सेट मम्मी से आया और एक जेनेटिक मटेरियल का पूरा सेट पापा से आया। तो जेनेटिक मटेरियल का नंबर डबल हो गया, लेकिन सेल तो एक ही हुआ ना। सो इट इज अ सिंगल सेल, जायगोट इज अ सिंगल सेल। हम सब ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एज अ सिंगल सेल करी थी। क्लियर? मैम, ठीक टू यू मैम, है, ये लाइन लिख ली सबने? यू मैम, चलो, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ओके, स्टार्ट करें फिर। तो आज हम चलते हैं अपना रिप्रोडक्शन की तरफ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एनिमल्स के आज हमने पढ़ना है, राइट? तो लास्ट जो हमने पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स, राइट? सो मुझे बताओ, सीजनल ब्रीडर्स और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स क्या होते हैं, अगर आपको याद है तो? सीजनल मीन जो सीजनल सीजनल होगी और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स वो ब्रीडर्स। होगी। एक बच्चा बोलना, स्नेहा बता पहले। हम सीजनल ब्रीडर वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ही रिप्रोडक्शन करते हैं हाँ, और मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। जो कंटिन्यूअस ब्रीडर है वो किसी भी टाइम जो है रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको किसी भी मतलब सीजन का या फिर एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती। तो वो जुवेनाइल फेज में भी रिप्रोडक्शन कर सकता है? कोई आंसर देगा इसका? क्या वो जुवेनाइल फेज में भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर? नो नो नो। तो किसी भी मैम, फेज, हाँ किसी भी फेज में नहीं बोलोगे तुम, बोलोगे कि आफ्टर अचीविंग रिप्रोडक्टिव फेज, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो गया तब वो किसी भी सीजन में ब्रीड कर सकता है। ठीक है, यस मैम, ठीक है, चलो, गुड, एक्सप्लेनेशन वाज गुड। पीछे भी सबने अच्छी दी थी, पर एक साथ सब बोलते तो सुनता नहीं। अब एक लाइन है, सेनेसेंस क्या होती है? सेनेसेंस का मतलब होता है लास्ट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, जिंदगी का आखिरी फेज होता है जिसके बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके साथ तो कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि ओल्ड एज में क्या होता है। जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो बॉडी के होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, इम्यूनिटी बॉडी की गिर जाती है, इसी वजह से धीरे धीरे टाइम के साथ अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, राइट? हॉर्मोन्स का लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर अब ज्यादा इफेक्ट करने लगते हैं। तो ये कुछ चीजें होती है जो ओल्ड एज के साथ अटैच है। क्लियर? मैम, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फेजेस पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुझे दो चीजें बतानी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल से कैसे डिफरेंट करता था। तो मुझे बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा या दो? टू पेरेंट्स, गैमेट्स बनेंगे? यस यस मैम, के गैमेट्स में फ्यूजन होगा? यस मैम, गुड। तो ये सारे प्रोसेसेस को ना इन्होंने कुछ लाइफ स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो स्टेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तीन टाइप की, ठीक है? पहली होती है प्री, प्री मतलब पहली, पहले बिफोर, ठीक है? तो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होता है? फिर फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, इसे लिख लो, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्लियरली। और फ्यूजन ऑफ गैमेट के बाद क्या क्या चीजें आती है, जायगोट बनता है और उसके बाद क्या क्या होता है, उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, रेट से रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो रेट में पहले वो उसके एग एंड स्पर्म एक दूसरे से फ्यूज करे, उससे पहले एग एंड स्पर्म बनने चाहिए, वो प्री फर्टिलाइजेशन है। फिर एग एंड स्पर्म का फ्यूजन होता है, वो फर्टिलाइजेशन है। फिर एग एंड स्पर्म के फ्यूजन से बेबी बना, फिर वो बेबी कैसे ग्रो हुआ, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। पोस्ट मतलब बाद में, राइट? मैम, अब हम ये फेजेस पढ़ेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गेमेटोजेनेस, गेमेट ट्रांसफर है। तो ये चार्ट बना लो ताकि मैं तुमको धीरे धीरे कराऊं और तुम चार्ट पे टिक करते जाओ। ऐसे लिख लेना। चलो आगे, यो थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो जिसने बना लिया, थम्स अप। थम्स अप प्रेस कर दो भाई फोन में जिसने बना लिया। ओके, ऑलराइट। ओके, गॉट इट। ठीक है बेटा, आ जाओ।
तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं. सबसे एक तो ना पता है क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारा मैसेज देख रही हूँ और ऊपर से अलग अलग नोटिफिकेशन आ के मुझे तंग करती है. मुझे एक मिनट दोगे मैं सारी नोटिफिकेशन बंद कर दूँ व्हाट्सएप की? यो मैम यो मैम बार बार इतनी सारी मेरे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रही है जिसका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है. दूसरों के काम की नोटिफिकेशन सुननी पड़ रही है मुझे. कहाँ है व्हाट्सएप? इसलिए पसंद नहीं है मुझे नोटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद मुझे. बंद करो सारी, बंद करो भाई, तो जीमेल की भी बंद कर. बहुत बढ़िया. ओके आर यू देयर? बहुत बढ़िया. नाउ आई कैन फोकस ऑन माय क्लास. एक सेकेंड, आपके चैट पर लग रहा एक्सिट हो गया. हाँ जी चलिए. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है, हम ह्यूमन के एग्जांपल लेते हैं ना, इजी हो जाएगा हमें समझना. हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ना ही है. तो ह्यूमन के केस में ये रहा मेल, मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म एज अ गैमेट और फीमेल प्रोड्यूस करती है व्हाट? ओवम. इसको हम ओवम भी कहते हैं और इसको हम एग भी कहते हैं. ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना ओवम और एग बोल के, तुमने नहीं होना है, तो स्पर्म है. ठीक है जी. इनकी जो फॉर्मेशन होती है ना, ये बनते कैसे हैं, उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके मैम. इट इज अ इवेंट प्रायर, प्रायर मतलब पहले. तो लिख लो वहां पे प्रायर मतलब पहले, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में लाइन मिलेगी. प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट्स के मिलने से पहले. और इसमें हम यूज करते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. गैमेटोजेनेसिस का मतलब है, गैमेट का मतलब है आपके जर्म सेल, वही लिख लो जर्म सेल. और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, बनाना. तो जर्म सेल के सिंथेसिस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. और गैमेट ट्रांसफर का मतलब है कि स्पर्म को ओवम के पास जाना होता है ताकि रिप्रोडक्शन हो जाए. क्योंकि फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो स्पर्म ओवम के पास आता है तभी रिप्रोडक्शन होती है, तो उसे कहते हैं गैमेट ट्रांसफर. तो ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में. क्लियर? ठीक है जी, चलो आगे. थैंक यू आगे. So, what is a gametogenesis? Gametogenesis is the formation of male and female gamete. दोनों male and female gamete के process को gametogenesis कहते हैं. ठीक है, तो मतलब sperm बनाने के process को भी gametogenesis और female के egg बनाने के process को भी gametogenesis. And gamete कैसे होते हैं? Gamete basically haploid cells होते हैं. ठीक है, haploid cells का मतलब होता है उनमें genetic number क्या होगा? N number of chromosomes होंगे उसमें. ठीक है, अब जो gametes होते हैं ना, वो भी दो type के होते हैं. देखो कैसे गैमेट्स होंगे, दो टाइप के. एक होंगे जुड़वा. ठीक है, मींस इसका मतलब है मेल एंड फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली. मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चरली, एक्सटर्नल स्ट्रक्चरली सेम. तो बाहर से देखने में दोनों सेम सेम लगेंगे. जैसे कि ये देखो, अगर मैं ये ग्रीन वाला बोल दू, ग्रीन वाला दो बना दिया, मुझे बता सकते हो फीमेल कौन सा है और मेल कौन सा है, एग कौन सा है, स्पर्म कौन सा है, बता पाएंगे? सेम सेम दिखते हैं. ठीक है, जो बिल्कुल सेम सेम दिखते हैं. और एक और केस होता है जहां पे दोनों अलग अलग है, तो ये है अलग अलग. इसका मतलब है मेल एंड फीमेल गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट. फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में इसको देख के बता सकते हो ए वाला सेल कौन सा और बी वाला कौन सा है? Yes, ए है हमारा. Yes, ये है अलग अलग. तो इनके लिए ना साइंटिफिक वर्ड है जो तुमको पता होना चाहिए कि जब दोनों सेम सेम दिखते हैं गैमेट, अपीयरेंस में जेनेटिक मटेरियल सब कुछ अलग होगा लेकिन देखने में सेम सेम दिखते हैं, तो हम उनको कहते हैं होमोगैमेट्स. होमो मतलब सेम. और इन्हें को आइसो भी कहते हैं, आइसो मतलब आल्सो सेम. और अगर वो देखने में अलग अलग दिखते हैं तो हम उनको कहते हैं हेट्रो. हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप, वैरायटी आ गई. तो बताओ ह्यूमन गैमेट आर हेटरोगैमेट्स और होमोगैमेट्स? हेटरोगैमेट्स. शाबाश शाबाश, लिख लिया. यो यो मैम. यो यो मैम. बहुत बढ़िया. आइए होमोगैमेट्स
सिमिलर गेमिट्स दे कैन नॉट कैटेगराइज इन टू मेल एंड फीमेल गेमिट. तो इसका एग्जाम्पल दिया इसने क्लेडोफोरा में एक एल्गा है जिसमें आप देखो ए वाला डायग्राम आपको दोनों सेम सेम दिख रहे हैं है ना, बता नहीं सकती फीमेल कौन सा. तो ये हमारे आइसोगेमिट्स हो गए या होमोगेमिट्स. तो सब एल्गा का एग्जांपल दिया क्लेडोफोरा, एग्जांपल पता होना चाहिए, एग्जांपल पे क्वेश्चन आएगा. सेकंड इज हेटरोगेमिट जिसमें मेल और फीमेल गेमिट अलग अलग दिखते हैं. तो ना अलग अलग दिखते हैं तो हम उनको नाम भी अलग अलग दे देते हैं जनरली, ठीक है, जैसे ह्यूमन में स्पर्म बोलते हैं. लेकिन जनरली जो मेल मेल सेल्स होंगे, मेल गेमिट होगा, उसको जनरल नाम होगा सारे एनिमल्स में एज एंथीरोजोइट, ठीक है जी. और फीमेल गेमिट का नाम होगा जो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज एंथ्रीडियम ओवम. ओवम और एग, नहीं बेटा एंथ्रीडियम नहीं है, एंथ्रीडियम इज अ डिफरेंट टर्म, आगे आएगा यहाँ नहीं. ओके क्लियर है? यो यो मैम. तो देख इन्होंने बताया ह्यूमन तो हमें पता था, होमोसेपियन में हेटरोगेमिट्स है. कहते एक और एग्जांपल याद कर लो कि एक एल्गा होता है जिसका नाम फ्यूकस, यानी कि एल्गा अलग अलग टाइप के होते हैं. तो फ्यूकस के केस में भी आपको हेटरोगेमिट्स दिखता है, ठीक है जी. ये देखो दो गेमिट अलग अलग दिख रहे हैं, राइट? तो आपको एग्जांपल्स याद होनी चाहिए. चलो बढ़ू आगे. यो यो मैम. यो यो मैम. ये बात करें सेक्सुअलिटी एंड ऑर्गेनिज्म, ये कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायसेक्सुअल होते हैं. यूनि मतलब एक, बाय मतलब टू, इतना हमें पता है, इतना तो हमें पता है. यो यो मैम. वेल इंग्लिश तो हमें आती है. चलो फिर आज देख लेते हैं कहाँ पहुंचे. कितने बजे तक क्लास है? 7:00. टाइम कितना हुआ है? 6:28. ओके तो जैसे ही होने वाला होगा लेट मी नो. चलिए आइए. सो बायसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, इन्होंने पहले ही बता दिया. ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं, बीच में ये लोग प्लांट ले आए हैं जबकि हम चल एनिमल पे रहे थे, तो इनको बीच में प्लांट लेके आना था, कोई बात नहीं हम प्लांट ले आते हैं. तो बायसेक्सुअल का मतलब है फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, ठीक है. ऐसा फ्लावर जिसके पास बाय मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन्स, तो दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पड़े हैं उसको बायसेक्सुअल कहेंगे. तो क्या होता है प्लांट के केस में सेक्सुअल ऑर्गन जो मेन है दैट इज फ्लावर, है ना. तो उसके फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स पड़े हैं तो उसको मैं बायसेक्सुअल बोलूंगी. जैसे कि वहां पे फीमेल का पार्ट भी पड़ा है जिसको हम बोलते हैं क्या, पिस्टल. और मेल के पार्ट भी पड़े हैं, मेल के पार्ट को क्या बुलाते हैं, स्टैमन. बेटा एंथर जो होता है ना इसको बोलते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को एंथर, ठीक है. हाँ तो स्टेमन भी होता है इसके पास और पिस्टल भी होता है, तो दोनों पार्ट एक ही के पास है ना, तो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों यही है ना, तो इसको मैं बोलूंगी दिस इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है. इसका जो एग्जांपल है वो आ जाता है जैसे हिबिस्कस का फ्लावर है. हिबिस्कस कैसे याद रहेगा, हिबिस्कस के जो लीव्स होते हैं ना पेटल्स, उनसे शैम्पू बहुत बनता है, शैम्पू एंड ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा है, साउथ इंडिया में बहुत यूज होता है, ये बालों को बहुत स्ट्रांग करता है. और पिसम आपको कैसे याद रहेगा, पिसम इज द मटर, मटर जो आप घर पे खाते हो, तो मटर बिलोंग टू पिसम सेटिवम, इसी जीनस से बिलोंग करता है, ठीक है, याद रह जाएगा. मटर और हिबिस्कस हम याद रखेंगे, गुड फॉर हेयर, बहुत अच्छा होता है बालों के लिए. नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, उसके पास स्टेमन होते हैं, और फीमेल फ्लावर इज पिस्टिलेट, ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जनरली ऐसे होता है. चलो बायसेक्सुअल हो गया हमारा, तो याद रखना बायसेक्सुअल में सेम इंडिविजुअल में ही एक ही प्लांट के ऊपर दोनों होंगे. नाउ बायसेक्सुअल एनिमल्स कैसे होते हैं, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. देखो ऐसे भी अब हम ऐसे नॉर्मली पढ़ते हैं ना, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, इवन कॉकरोच में भी मेल कॉकरोच अलग होता है फीमेल कॉकरोच अलग होती है. लेकिन ऐसे भी एनिमल्स है जिसमें मेल और फीमेल सेक्सुअल पार्ट एक ही में है, और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो जो हमारे फार्मिंग में बहुत काम आता है. तो फार्मर्स का फ्रेंड किसको कहते हैं, तो बायसेक्सुअल एनिमल को हम एक स्पेशल टर्म से बुलाते हैं, उनको हम बुलाते हैं हर्माफ्रोडाइट. एनिमल किंगडम में शायद आपने सुना होगा हर्माफ्रोडाइट्स. तो बायसेक्सुअल एनिमल्स आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट्स. फॉर एग्जांपल अर्थवर्म बहुत कॉमनली पूछा जाता है, लीच. लीच होता है ना जैसे चावल वाली खेती भी जहां पर होती है, या आप थोड़े से गंदे से पानी वाली साइड पर भी चले जाओ अगर, तो वहां पर छोटी छोटी ऐसे स्किन से अटैच हो जाते हैं, ब्लड सक करती है, लीच कहते हैं उनको. स्पॉन्ज, स्पॉन्ज हमने पढ़ा था. टेपवर्म कैसे होते हैं, वो इतने पतले होते हैं ऐसा लगता है टेप की तरह दिखाई देते हैं अगर आप उसको रियलिटी में देखोगे. तो ये चार चीजें हैं विच यू फाइंड, ठीक है, जिसमें हर्माफ्रोडाइट, राइट.
सो एनिमल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट दिस इज कॉल्ड मोनेशियस. जैसे कुकुरबिटा, अब इसमें ये और एग्जांपल दे रहे हैं, कुकुरबिटा एंड कोकोनट, तो आप इसको ऐड कर सकते हो अपने एग्जांपल में. ओके ज्यादा तेज तो नहीं हो गया? नो मैम. ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते. तो ये आपको देखो, ये इन्होंने अर्थफॉर्म का खोल के दिखाया है. अर्थफॉर्म जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, वैसे तो आई डोंट थिंक सिलेबस में है, बट लेट मी चेक. सो जब हम पढ़ेंगे 11th ग्रेड तब आपको और डिटेल में बताऊंगी. इसके अंदर आपको बताया है कि ये देखो अर्थफॉर्म के अंदर आपको ओवरी दिख रही है यहाँ पर, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ओवरी. यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक से और ऊपर ही यहाँ पर टेस्टिस पड़ी है, राइट. सो दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो हर्माफ्रोडाइट्स होगी. हर्माफ्रोडाइट इज अ वर्ड जो बहुत बार आता है नीट में, राइट. अब यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं. सो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल, तो डिफरेंट इंडिविजुअल में पड़े हुए हैं. जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम भी यूनिसेक्सुअल होते हैं ना. मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, इट इज कॉल्ड डाइशियस. तो ऐसे केस में हम कहते हैं डिफरेंट प्लांट में है. जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट अच्छा से नहीं बना है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल पपीता है, जो मैं आपको अगले चैप्टर में भी कराऊंगी. कि एक प्लांट है, इसके पास इसके फूल लगे हैं. ये दूसरा प्लांट है सेम स्पीशीज का, इसके पास भी फूल लगे हैं. ये सारे फूल्स के पास सिर्फ एक ही चीज है, जैसे स्टेमन. उन सारे फूलों के पास एक ही चीज है जिसे हम कहते हैं पिस्टल, ठीक है. तो ये फीमेल वाला प्लांट हो गया, ये मेल वाला प्लांट हो गया. तो ऐसे वाली कंडीशन को हम कहेंगे ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है, और इन्हीं को हम डाइशियस भी बुलाते हैं. तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पपाया. पपीता खाते हो ना? पपीता और डेट पाम. पपीता तो कॉमन ही सब खाते होंगे, डेट पाम आई डोंट नो खाते हो या नहीं, बट पपीता इज अ गुड एग्जांपल, राइट. अब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में आपसे बहुत सारे होते हैं, हायर एनिमल जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं. एक मछली फीमेल अलग, मेल अलग अलग होती है. कॉकरोच है जो वो बार बार पूछ लेते हैं, क्योंकि कॉकरोच और अर्थवॉर्म आप एक साथ पढ़ते हो ना, तो याद रखना अर्थवॉर्म इज हर्माफ्रोडाइट व्हाइल कॉकरोच इज अ यूनिसेक्सुअल. ओके फंजाई में भी होमोथैलिक और हेटरोथैलिक. अब ये कह रहा है फंजाई अलग है, तो मशरूम होते हैं उनके अलग ही कहानी है. कहते हैं वो होमो भी होते हैं, सेम सेक्स वाले भी होते हैं, और हेटरो भी होते हैं. अलग अलग मशरूम अलग अलग चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो उसमें वर्ड यूज करते हैं थैलिक. थैलिक वर्ड जो है, किसको नहीं पता लेट मी टेल यू, कि जो लोअर सॉरी तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है ना, लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटिस्टा, लाइक फंगस. फंगस के लोअर पार्ट जो है बहुत मॉडिफाई ना हो, लाइक एल्गी. एल्गी इज अ प्लांट. तो ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, इनकी बॉडी बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती. आप नहीं बता सकते हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, गर्दन का, ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है. तो इनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कैसी होती है, सिंपल इज सिंपल. तो इनकी बॉडी जब ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, तो हम इसकी बॉडी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं विच इज नोन एज थैलस, ठीक है जी. तो थैलस इज टर्म यूज टू डिफाइन देयर सिंपल बॉडी. क्लियर? तो देखो इसने यहाँ वर्ड क्या दिया है, ध्यान से देखना. ये होमोथैलक, होमो मतलब सेम, मेल इसी में है, और थैलिक मतलब वो बॉडी के रेफरेंस में बोल रहे हैं, ठीक है. थैलिक मतलब दे टॉकिंग अबाउट बॉडी, दैट इज थैलस. समझ आया? ओके, लिख लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया. ओके, अब ये कह रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन की बात कर ले, क्योंकि हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कर रहे हैं ना, तो विल टॉक अबाउट गैमेट फॉर्मेशन हो रही कैसे है, ठीक है जी. अच्छा, किसी को कोई डाउट अभी तक? अपूर्वा, हाँ बोलो अपूर्वा. मैम गलती से हो गया था. ओके, किसी को कोई डाउट अभी तक? नो मैम. ओके, तो देखो अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कर रहे हैं ना, तो हमें गैमेट तो पता चल गया, ठीक है. एनिमल की बॉडी उसके नाम से डिवाइडेड है, पता चल गया. अब देखते हैं बनते कैसे गैमेट. सो मैनी मोनीरेंस, मोनीरेंस मतलब मोनेरा, फंजाई एंड एल्गा. एल्गा एंड ब्रायोफाइट्स आर प्लांट्स है ना, ये लोअर प्लांट्स. लिख लो, एकदम से आता तो याद नहीं रहता. हैव हैप्लोइड पेरेंटल बॉडी, तो पेरेंट की जो बॉडी है वो हैप्लोइड है.
पेरेंट की बॉडी ही हैप्लॉयड है, तो उससे जो नए गैमेट्स बनते हैं वो भी हैप्लॉयड बनते हैं। तो देखो, अगर एक सेल है उसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और वो आगे एक सेल बना रहा है जिसमें भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ऐसी वाली सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। हाँ, इसे कहेंगे माइटोसिस होगा। अगर कोई हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये है मेरे हायर प्लांट्स, तो लिख लो इन्हें हायर प्लांट्स। और मेरे एनिमल्स है जिनकी बॉडी डेप्लॉइड है, तो देखो डेप्लॉइड बॉडी है लेकिन गैमेट बनाने हैं, ये मेरा गैमेट है ठीक है जी, और ये मेरी पेरेंट बॉडी, मैं इसको एक सेकेंड हाइड कर देते हैं ठीक है जी। और ये रही मेरी पेरेंट बॉडी। अब देखो जी, अगर ये पेरेंट बॉडी है, गैमेट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे हमेशा? टू हमेशा एन, हाफ, हमेशा हाफ ओके मैम। ना, तो गैमेट हमेशा हाफ होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए गैमेट में पेरेंट के कंपैरिजन में, तो ये कौन से सेल डिवीजन है? मियोसिस। मियोसिस तो हायर ऑर्गेनिज्म में मियोसिस के थ्रू गैमेट बनते हैं ठीक है। यो मैम ठीक है, अभी जो पेरेंट बॉडी के जो सेल्स है, ये स्पेसिफिकली पेरेंट बॉडी सेल है ठीक है जी, मतलब पेरेंट बॉडी का कोई एक सेल है ना जो आगे चल के भी स्पर्म बनाता है मेल के केस में और फीमेल के केस में एग बनाता है, तो ये जो स्पेशल सेल है ना इसका एक और नाम है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मियोसाइट्स। तो यहाँ लिख लो मियोसाइट्स, और इनका एक और नाम है, उसी को हम बोलते हैं गैमीट मदर सेल, वो सेल जो गैमीट बनाएगा, सारे सेल नहीं बनाते ना, कुछ सेल्स ही बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं गैमीट मदर सेल। इतना लिखा, अब मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगी, यो यो लिख लिया ओके। अब देखो बेटा, याद रख लेना, ट्रिक है ये, आपको बहुत काम आएगी, कि जहां पर भी आप ये वर्ड सुनोगे मदर सेल, मदर सेल, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज डबल, इट इज ऑलवेज अ डाइप्लॉइड सेल, वो हमेशा डाइप्लॉइड सेल होगा। और मदर सेल वही सेल होता है जो आगे जाके डिवीजन करके आपको गैमेट देगा, तो जहां पे मदर सेल लिखोगे ना, सुनोगे, वहां पे हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल ही होते हैं। ये आपको नीट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसाएगा, तो तुम मदर सेल वर्ड याद रख लेना, अभी ये आगे वाले 2 चैप्टर में बहुत काम आएगा हमें ठीक है। यो अभी जब एक यूनिट हो जाएगी ना, फिर तुमको थोड़ा रिलेट करना स्टार्ट होगा, अभी तो फर्स्ट चैप्टर है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, अभी के लिए ये लिख लो, ये इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में बहुत काम आएंगे ओके। चलो आगे, थक यो मैम। तो नहीं गए? नो मैम, थोड़े 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 थक गए हैं। अच्छा, गर्मी बहुत है यहाँ पे, तुम्हारे में मौसम कैसा है? मैम गर्मी है अब, गर्मी इतनी गर्मी है कि इचीनेस हो रही है मेरे को मेरे सर पे, जबकि मैंने कल ही हेड वॉश किए। उफ, टू वार्म, टू वार्म, कुछ नहीं लगता मुझे, कूलर से होता है, और एसी से तो तब बिलाता बिलेगा कि इंसान मतलब निकल जाए, इतनी ज्यादा गर्मी है। सोचो अभी तो अप्रैल चल रहा है, भगवान जी मई और जून में, मेरे को लगता है जून में क्या होगा, हम बाहर निकलेंगे घर से और हमारा तंदूरी चिकन बन जाएगा। वो एक स्टेज आती है ना जब, हाँ डाउट है किसी को? नो मैम। अच्छा, वो स्टेज आती है ना, मैंने एक बार कहाँ, किस में देखा था, किस रील में देखा था, कौन सी जगह थी, कैलिफोर्निया थी या मैं भूल गई वो जगह, तो वहां पर वो क्या करते हैं कि बाहर इतनी गर्मी थी, तो बाहर जाती है लेडी, वो अंडा तोड़ के जमीन पे डाल देती है, वो अंडा एक्चुअली में पक जाता है, बाहर इतनी गर्मी थी। मुझको लगता है अब जून में हम ऐसे करेंगे, ब्रेकफास्ट खाना होगा ना, प्लेट में अंडे तोड़ के बाहर रख देना, अंदर लेके आना पक जाएंगे वो, ऐसे ही चलेगा, पराठा बना के बाहर रख देना, अपने आप ही फ्राई होके आ जाएंगे। इट्स टू हॉट यार, बहुत ही गर्मी है, बहुत दुख हो रहा है। तो स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो तो बहुत गर्मी होती होगी ना? यो यो मैम, बेटा सनस्क्रीन, बेटा सनस्क्रीन लगाया करो, सनस्क्रीन, और तुम तो छोटे हो ना, तो तुम SPF less than 30 लिया करो, 30 से कम लेना, 20 के बाद 30 से ज्यादा हम यूज करते, तुम 25 के बाद लेते वैसे तो, तुम 30 SPF लिखा होता है ना उसके ऊपर, 30, 40, 50, तुम 30 से कम लेना, तुम छोटे हो, लेकिन सनस्क्रीन लगाया करो, सनस्क्रीन सच में अच्छी होती है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है एटलीस्ट रिटर्न में, तो सनस्क्रीन लगा लिया करो भाई, ये तो सनबर्न चलता रहेगा ओके जी। यो मैम, चलिए मैम आइए, अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड पे, फिर लिखा है क्रोमोजोम का नंबर इन मियोसाइट, मियोसाइट का मतलब
मदर सेल. हाँ मदर सेल. मदर सेल तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 2n और गैमेट में n. अब देखो ये वाला चार्ट हम कैसे करेंगे और ये वाला चार्ट तुम लोग मुझे कराओगे. तुम अरे नहीं ऐसे क्लियर भी नहीं होगा ये. चला बच्चे ने तो नहीं कर लिया. फोटो ले लियो मत करना. लो जरा फोटो. चलो भाई अगर मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो गैमेट में कितने होंगे? 23. अगर हाउस फ्लाई में वो जो फ्लाई उड़ती आ रही है उसमें उसके मदर सेल में 12 है तो गैमेट में कितने होंगे? 66. हाफ करने. अगर रैट में 42 है मदर सेल में तो गैमेट में कितने होंगे? 21. अगर डॉग के मदर सेल में 78 है तो गैमेट में कितने होंगे? 39. कैट में 38 है तो गैमेट में 19. फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम क्या था? ड्रोसोफिला. तो हाफ कितना होगा इसी गैमेट में? 4. ओफियोग्लॉसम अगर 1260 है तो बताओ इसका हाफ करने में एक जीवन जाएगा. चलो अब एप्पल पे आते हैं. एप्पल के मदर सेल में 34 है तो गैमेट में 17. राइस के गैमेट में 12 है तो मदर सेल में कितने रहे होंगे? 24. मेज के मदर सेल में 20 है तो गैमेट में 10. पोटैटो में गैमेट में 24 है तो मदर सेल में 48. बटरफ्लाई के मदर सेल में 380 है तो गैमेट में 190. अनियन प्याज प्याज के मदर सेल में कितने? 16. तो सबसे शरीफ बचा रहा है यहाँ पे हमारा ये फ्रूट फ्लाई है. चलिए तो पहला प्रोसेस था गैमेट फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस. इतना ही आपको यहाँ पढ़ना है. अब गैमेट ट्रांसफर पढ़ ले. गैमेट कैसे ट्रांसफर होगा वो पढ़ना है. देखो मेल गैमेट नीड अ मीडियम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन. क्यों? क्योंकि जनरली जो फीमेल गैमेट है वो मोस्टली इमोटाइल होता है और बड़ा होता है साइज में, तो मेल गैमेट को ही जाना पड़ता है फीमेल गैमेट के पास. सो इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल व्हाइल फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब नॉन मोटाइल. मोस्टली यही होता है. बेटा आवाज आ रही है? नो मैम. यस मैम. अभी आई मैम. अब आ रही. अब आ रही? नो मैम. बेटा आ रही है आवाज? यस मैम. ओके बेटा तो मैं कह रही थी कि मोस्टली केसेस में मेल मेल गैमेट स्टेशनरी होता है, फीमेल गैमेट मोटाइल होता है. उसका एक्सेप्शन भी है कि कुछ फंजाइज वगैरह के पास ऐसा नहीं होता, दोनों मोटाइल होते हैं. पर जहां पर नेम आएगा हम वहां याद करेंगे. या तो कोई मेल नेम ही नहीं आ रहा तो हम इस लाइन को ऐसे छोड़ देंगे. ठीक है? अब गैमेट ट्रांसफर की बात है सिंपल प्लांट और सिंपल एनिमल में कर. देखो एनिमल्स के अंदर बहुत डिटेल में तुम पढ़ोगे फोर्थ चैप्टर में अभी, और प्लांट्स के अंदर अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ोगे. तुमको यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाना, तुमको बस बेसिक प्रोसेस पढ़ना है कि ये क्या हो रहा है. ठीक है जी? तो इन गैमेट ट्रांसफर जो सिंपल प्लांट है, अब मैं उम्मीद करती हूँ तुमको प्लांट किंगडम आता है. अगर नहीं आता तो मैं यहाँ बता रही हूँ, एक बार लिख लो इसे कि प्लांट किंगडम के ग्रुप किस तरीके से होते हैं. सबसे पहला होता है एल्गी, सबसे सिंपल. फिर होता है
ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट पेड्रोफाइट फिर जिसमें सीड सबसे पहले आया था जिम्नो जिम्नोस्पर्म सबसे लंबे पेड़ इसी में होते हैं और फिर एंजियोस्पर्म देखो अब देखो इन सम सिंपल प्लांट लाइक एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू वाटर मीडियम तो क्या होता है कि जो मेल होता है फॉर एग्जांपल यहां पे जो मेल है उसने जो भी गैमेट है उसको पानी में छोड़ दिया ये वाटर है पानी में छोड़ दिया और वो उम्मीद करता है कि फीमेल का जो एग है उसके पास तक ये पहुंच जाएगा ठीक है जी तो यहाँ पे मीडियम है वाटर याद रखना सिंपल प्लांट में अब कोई चांसेस थोड़ी है पानी में हो सकता है रास्ते में मर जाए है ना रास्ते में डायरेक्शन भूल के कहीं और चला जाए मे भी ना मिल पाए इस वजह से क्या होता है जो मेल होता है वो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करता है ताकि चांसेस हो कि ये फीमेल से मिल पाए ये बात समझ आई जो मेल प्लांट होता है ना मेल प्लांट जैसे एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट है पानी में ही है ये तो पानी में बहुत सारे मेल गैमेट रिलीज कर देते हैं ये तो लहरों के साथ वो फीमेल फ्लावर के पास पहुंचते हैं और वहां पे उसको फर्टिलाइज करेंगे लेकिन चांसेस कम है हो सकता है लहरें इधर उधर चली जाए है ना तो इस वजह से वो बहुत सारे मेल गैमेट छोड़ते हैं ताकि वो फीमेल गैमेट से फ्यूज कर पाए ठीक है नाउ इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन्स कैरी मेल गैमेट एंड ओव्यूल कैरीज द एग तो जो प्लांट में सीड होता है जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उनके केस में कहानी अलग होती है वहां पे प्रोसेस होता है जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं ठीक है तो हायर प्लांट में तो इन दोनों में जो प्रोसेस हो रहा है मैं यहाँ लिख रही हूँ ध्यान से देखना है इसको हाइट हो जा देखो इन दोनों में जो प्रोसेस होता है उसको हम बुलाते हैं पॉलिनेशन कि मेल का गैमेट फीमेल के फ्लावर तक ले फीमेल के पार्ट तक लेके जाया जाता है लेकिन एल्गी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर वाटर के थ्रू होता है ठीक है जी इतनी बात समझ में आई पॉलिनेशन में तुमको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इतना समझ में आ गया कि इनों में पानी की मदद से होता है वाटर इज मीडियम ऐसे ही इसको ऐसे ही चार्ट में लिख लो ये इजी हो जाएगा सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे इससे डोंट वरी ओके क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना और सेक्सुअल पार्ट तुमको ज्यादा अच्छे से पता नहीं हो तो इसलिए थोड़ा सा ना बीच बीच में काफी बच्चों को लग रहा होगा कि ब्रेक हो रहा है फ्लो सा नहीं बन रहा जैसे पीछे बन रहा था तो ये फ्लो बन जाएगा जब आगे के दो चैप्टर करोगे फिर तुमको ये चैप्टर बच्चों जैसा लगेगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं था तो अच्छा गैमेट ट्रांसफर में इन बायोसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट जैसे पी होता है एंथर एंड स्पिग्मा बहुत क्लोज होते हैं ईच अदर के तो ये क्या करते हैं देखो ये फूल है फूल में ये रहा मेरा फीमेल पार्ट और ये रहा मेरा एंथर मेल पार्ट तो बेटा यहाँ पे इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है ना इसको पानी की मदद की जरूरत है ना इसको किसी क्या कहते हैं पोल बी की मदद की जरूरत है ठीक है इसमें क्या होगा पोलन ग्रेन यहाँ बना और वो खुद ही यहाँ पे शेड हो जाता है तो वो वाले फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है उनमें जनरली इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है और यहाँ पे न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है तो ऐसे ही नॉर्मली गैमेट ट्रांसफर हो जाता है जो एकदम क्लोज है एक दूसरे के समझ में आया मेल एंड क्लोज होंगे तो इसको हम कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन ओके इसके लिए टर्म भी होती है पर यहाँ नहीं करेंगे अगले चैप्टर में करेंगे राइट थोड़ा थोड़ा समझ आ रहे हैं ये वाला थोड़ा थोड़ा ही समझ आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म स्किप हो रही है ना ये आगे जाके आएगा अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन में क्या जैसे पपीता था पपीते के केस में तो एक फ्लावर यहाँ पड़ा है और एक फ्लावर यहाँ पड़ा है अब कैसे होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ नहीं होता बटरफ्लाइज या बीज आती हैं वो क्या करती हैं लेट्स से यहाँ फीमेल का पार्ट पड़ा है यहाँ मेल का पार्ट पड़ा है तो मेल के पार्ट से पोलन ग्रेन ले जाती है अपने पैरों पे पंखों पे लगा के और वो दे देती है फीमेल के पार्ट पे रख देती है तो ये होती है क्रॉस पॉलिनेशन ओके सिंपल अब ये डाइशियस एनिमल की बात कर रहे हैं द फर्टिलाइजेशन हैव फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट लीव दिस वन चलो आगे ये अभी समझ में आया आपको कि क्या होगा इतना सा पार्ट ठीक है देखो एक मिनट पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहाँ डाला इन्होंने ठीक है
सोचो, हमने अभी तक किया वो ये कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसको एक बार समअप करते हैं ना, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली हमने। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो अलग अलग डिफरेंट फेजेस में चेंज हो सकती है। सबसे पहला फेज होता है प्री पुबर्टी, उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होता है, जर्म सेल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर होगा, है ना। हाँ, फिर फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा। फर्टिलाइजेशन के इवेंट का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट, और फिर होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम पहुंचे हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। चलो आओ इसको सीख लेते हैं, ठीक है जी, आइए। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन के इवेंट को प्लांट के केस में हम वर्ड यूज करते हैं सिनगैमी। तो प्लांट में मैं बोलूंगी सिनगैमी और एनिमल्स में बोल दूंगी फर्टिलाइजेशन। इतना क्लियर है सबको? आप फंजाई में भी फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो और आप मोनीरा में भी फर्टिलाइजेशन। वैसे मोनीरा में तो खास आता ही नहीं है, तो आप फंजाई में भी फर्टिलाइजेशन बोल सकते हो, प्रोटिस्टा में भी बोल सकते हो, ठीक है जी। द रिजल्ट ऑफ अपसिंगेमी में होता क्या है कि जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से क्या करेगा, फीमेल गैमेट से फ्यूज कर जाएगा। क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? दे विल फ्यूज, एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे तो ये एक ही सेल बना देंगे। देखो ये एक पूरा सेल बन गया। जब ये फ्यूज हुए तो इनके अंदर न्यूक्लियस था ना, तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल था। लेट से ये इसके न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है। तो फाइनली जो बेबी, ये जो नया सेल बना है, इसके पास दोनों का जेनेटिक मटेरियल है। अब इस सेल को मैं क्या बुलाती हूँ, दिस इज अ डाइप्लॉइड सेल, 2n वाला, और इसे बुलाते हैं जायगोट। सो जायगोट इज द फर्स्ट सेल फॉर्म बाय द फर्टिलाइजेशन इवेंट। इज इट क्लियर? यो मैम। ओके, अब जायगोट भी दो तरीके से हो सकता है कि सोचो, अच्छा ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको यहाँ लिख लेना। फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओके जी, डन। यो मैम, बेटा फादर की तरफ से स्पर्म आ रहा था, फीमेल की तरफ से एग था, इन स्पर्म जो आया एग के साथ फ्यूज कर दिया। जैसे ये फ्यूज करा मैं से बोलूंगी फर्टिलाइजेशन। यही प्रोसेस अगर प्लांट में हुआ था मैं कहती सिनगैमी। तो जैसे ये फ्यूज करता है ये एक सेल बना देता है, ठीक है। अब इस एक सेल के पास पापा के स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल भी है और मम्मी के स्पर्म का मम्मी के एग का जेनेटिक मटेरियल भी है। तो जो जायगोट होता है उसके पास दो कॉपी जेनेटिक मटेरियल की होती है, इसलिए डाइप्लॉइड होता है, लेकिन होता ये एक ही सेल है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला सेल बनता है उसको हम जायगोट बुलाते हैं। समझ आया आप? अभी फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकती है। ह्यूमन के केस में तो बॉडी के अंदर होती है, मदर की वूम में, है ना, फीमेल गेट प्रेग्नेंट। सो दिस फर्टिलाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, इधर इट कैन बी एक्सटर्नल और इधर इट कैन बी इंटरनल। देखो इंटरनल तो इजी है हमें समझना कि क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म आता है, राइट, और उसके बाद जो जायगोट बनता है वो बनता है कहाँ, इनसाइड फीमेल बॉडी। ये तो इजी हमारे लिए समझना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर जायगोट डेवलप होकर बड़ा बच्चा बन जाएगा। एक्सटर्नल क्या होता है कि मान लो पानी का मीडियम है, ठीक है जी, तो ये होता है फ्रॉग के केस में। तो जो मेल फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग अपने सारे के सारे स्पर्म इसमें रिलीज कर देगा पानी में, और जो फीमेल फ्रॉग होती है वो ये करती है अपने एग भी यहाँ रिलीज कर देती है बहुत सारे, ये कहीं जाके फ्यूज करेंगे। अब जो स्पर्म है इनका और जो इसका एग है वो पानी में फ्यूज कर रहा है ना, फीमेल की बॉडी में या मेल की बॉडी के अंदर तो नहीं, तो ऐसी वाली फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ आया? तो इसमें क्या होगा, जायगोट फॉर्म
आउट ऑफ द बॉडी इन अ मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है ये, जनरली तो पानी ही होता है मीडियम, गंदा पानी, मीठा पानी, नमकीन पानी। अगर आप देखोगे कहीं पे जब फ्रॉग के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जायगोट डेवलप होकर टैडपोल बनाते हैं, वो थोड़े गंदे पानी में रहते हैं जनरली, बहुत साफ पानी में नहीं होते, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल पे डिपेंड करता है। बस हमें इतना पता है कि फर्टिलाइजेशन दो तरीके की हो सकती है। ओके जी, रेज योर हैंड एंड टेल मी हूएवर हैव डाउट्स। नो, फिर फटाफट से बता दूं तुम्हें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाएगा ये, नहीं कोई बात, कल पूछ लेना, इट्स ओके, जल्दी नहीं है मुझे, बस तुम्हें समझ आना चाहिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिख लिया हमें बताया था कि, हाँ आपने हमें बताया था कि हमारे में कुछ मतलब अलग जीन होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, बट जो नेपाल साइड है उनमें तो सभी के फेसेस सेम ही होते हैं। एक्सटर्नल फीचर हमें देखने में सेम लगता है ना, लेकिन वो बिल्कुल सेम नहीं होता, हर किसी के जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है 0.1%। तो वो हमें देखने में, जैसे अगर मैं, अगर कोई हिमाचल चले जाए, जैसे मेरी मासी वगैरह सब हिमाचल से है, तो मेरे को सेम लगती है, मेरे को सारे सेम लगते हैं, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो थोड़े थोड़े फीचर्स में फर्क होगा, मॉर्फोलॉजिकली हाइट में थोड़ा फर्क होगा और उनके बिहेवियर में भी थोड़ा फर्क होगा। अगर मैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखूंगी, बॉडी में भी थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। तो थोड़ा थोड़ा सब डिफरेंट दिखते हैं सारे ह्यूमन एक, ठीक है, वो हम बाहर से है ना, इसलिए हमें ऐसा लगता होगा। चलो डन सबका, चलो कोई बात नहीं, फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा प्लांट रहता है, कर लेंगे। ये क्वेश्चन तुमने लगा रखे हैं, चलो मैम ट्राई दिस वन, क्वेश्चन लगा के जाएंगे, 2 मिनट्स है हमें, ट्राई दिस वन। ओके, तनिष्क का सबसे पहले आंसर आया है, वेरी गुड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, तो वेरिएशन की तरफ जो लेके जाता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आंसर वुड बी सी, क्लियर? यो यो मैम, यो मैम, गुड गुड गुड। ओके, ये वाला ट्राई करना, अब तो ये आना चाहिए। करो ट्राई, क्या हुआ? वेजिटेटिव फेज इन प्लांट इज सेम एज मैम सी, जो भी तो चैट में क्यों नहीं आंसर कर रहे मैम? कर दिया है, कर दिया है, अब आया मुझे, दिख नहीं रहा था मुझे। यस, सो वेजिटेटिव फेज इन प्लांट इज सेम एज जुवेनाइल फेज, है ना? अब तो समझ आ गया सबको, बी बहुत बढ़िया। ओके बेटा, चलो तो अब तुम ये वाले क्वेश्चंस लगा सकते हो, राइट? यो यो मैम, ओके बेटा, मैं क्लास में भेजू।